नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दीपाली बाल शिक्षा एवं किशोरी सिलाई संस्कार केंद्र सामुदायिक भवन ब्राह्मण वाला देहरादून बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दीपाली फाउंडेशन एवं नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सोसाइटी देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि आरपी गुप्ता, निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमित अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन पारस, महासचिव नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सोसाइटी रहे। कार्यक्रम का संचालन दीपाली शुक्ला ने किया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को बाल यौन शोषण और बच्चों पर इसके बुरे प्रभावों के बारे में ज्ञान और जानकारी के साथ सशक्त रहने की बात कही। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आरपी गुप्ता ने कहा कि बाल सुरक्षा के लिए जागरूकता आवश्यक है और समाज के हर वर्ग के लोगों को बाल अधिकार की रक्षा के लिए जानकारी दी जानी चाहिए। देहरादून से हमारे संवाददाता शांति गौतम की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।